तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आलू रख दिए हैं और पानी डाल दिया, और यहाँ पर हरे चने के दाने भी डाल दिए हैं, और इनको मैं उबालने के लिए रख रही हूँ। तो ये देखिए। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी हो गई है इवनिंग, तो इवनिंग के मतलब 7 बजने वाले हैं, 10 मिनट ही कम है। तो अभी आप लोगों ने देखा तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ हरे चने जो होते हैं उनकी पराठे बना रही हूँ। हरे चने भी हैं साथ में और आलू भी हैं, दोनों चीज मैंने उबालने के लिए रख दी है, ये देखिए। और यहाँ पर पक रही है चाय, क्योंकि हमारी अम्मा जी है जो जेठानी की मम्मी है वो आ गई है, तो उनके लिए दोनों टाइम चाय चाहिए, तो इस वजह से मतलब उनके लिए भी चाय बन रही है। क्योंकि हम लोग मतलब दोनों टाइम बनाते हैं, पर शाम को कभी कभार बना लेते हैं। सुबह तो वैसे सर्दी है, तो अभी तब तक तो बनते रहेंगे, बनती रहेगी सॉरी, और जब गर्मी आ जाएगी तो फिर नहीं बनेगी। तो अभी पक रही है चाय, और मैंने लहसुन भी छील लिया है, तो छील करके रख लिया है, ये देखिए। और अभी पराठे के इंतजाम करते हैं, तो चलिए धनिया पत्ती और आटा साटा लगा लेते हैं, फिर इसके बाद मिलूंगी। तो अगर मेरे चैनल पर जो भी न्यू आए तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करें, और लाइक बहुत कम आते हैं तो प्लीज लाइक किया करिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करिए, और बस चलिए तो चलते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर अभी आटा को छान लेती हूँ, और साथ में सामने आप लोग देख रहे हैं दूध भी पक रहा है, क्योंकि दूध को भैंस का दूध सॉरी निकाल लिया था, तो उसे भी मैंने साथ में पकने के लिए रख दिया है। और एक साइड अभी चने और आलू पक रहे हैं, क्योंकि अभी उनकी सीटी नहीं आई है, मैंने धीमी आँच बिल्कुल से कर दी थी, क्योंकि ये एक ही सीटी में पक जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा पर जल्दी ही पकेंगे। तो ये देखिए मैं आटा को लगा लेती हूँ। तो आटा जो जब पराठा बनाए ना, तो पराठा बनाने के लिए आटे को ना तो ज़्यादा गीला करना चाहिए और ना ही ज़्यादा टाइट, बिल्कुल से मीडियम रहना चाहिए, बिल्कुल हल्का सॉफ्ट सॉफ्ट, तो इससे ना पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। और इसे ना 5-10 मिनट के लिए पहले से लगा के रख दो। तो ये देखिए मैं आटे को लगा लेती हूँ पहले, और इसे रख दूँगी। इसके बाद से धनिया और अदरक लहसुन मैंने छील के रख लिया था, तो इनको मैं कस लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने अभी आटा को लगा के रख दिया है, और अभी मैं लहसुन को कद्दूकस करके ले रही हूँ, और इसे ना मैं कद्दूकस करके ही डालूँगी, क्योंकि इसे पीसूँगी तो फिर इसका जो रस है ना तो वो सब सारा निकल जाता है लहसुन और अदरक का, इस वजह से मैं इसे कद्दूकस कर लूँगी और इसे मिला लेंगे, तब भी उतना ही टेस्ट आता है। तो ये देखिए आप लोग भगोने में थोड़ा दूध देख रहे होंगे लगा है सामने, तो इसकी ना उबाल आ गई थी, मैं यहाँ पर आटा गूँथ रही थी, मैंने ध्यान नहीं दिया और ये ढका था ना, तो इसकी उबाल आ गई थी, तो मैंने इसे निकाला है, तो इस वजह से थोड़ा सा इसमें लगा है। तो यहाँ पर मैंने लहसुन को कद्दूकस की कर लिया है और अदरक को भी कर लिया है, और इसके बाद से मैं अभी काट लेती हूँ धनिया, और धीमी धीमी आँच में दूध भी पक रहा है। तो ये देखिए धनिया को मैंने पहले से बॉस करके रख दिया था, और इसके बाद से मैं भी इसे बारीक बारीक सा काट लेती हूँ। तो ये देखिए, तो मैं चाकू से ना जैसे प्याज है और लहसुन ये सब चीज़ें, तो टमाटर वगैरह काट लेती हूँ, जैसे जो पत्ता गोभी है बड़ी बड़ी सब्जियाँ है ना वो मैं हसिए से ही काटती हूँ, क्योंकि मुझसे चाकू से ज़्यादा नहीं बनता है, और पत्ता गोभी तो बिल्कुल से नहीं, मैंने उस दिन आपसे बताया था ना। तो ये देखिए मैं इसे अच्छे से काट लेती हूँ बारीक बारीक से, क्योंकि इसमें बड़े बड़े टुकड़े आएंगे तो ये मुंह में भी आएंगे धनिया के। तो यहाँ पर मैंने गैस को बंद कर दिया था, इसमें 2 सीटी लग गई थी, तो इसकी वजह से मैं इसकी जो 1 सीटी भरी है तो इसे मैं निकाल देती हूँ, नहीं तो आलू बिल्कुल से गल जाएंगे तो फिर वो पराठों में उतना टेस्ट नहीं आता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने छान लिया है इनको, और ये जो दाने हैं ना ये बिल्कुल से गर्म है, और आलू को मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया, और इनको मैं गरम गरम ही आलू मैश करने वाले से मैश किए ले रही हूँ, क्योंकि ये अगर थोड़ा सा भी ठंडे हो गए ना तो इससे ये मैश नहीं होंगे आलू मैश करने वाले से, तो फिर मेरे को ये दानों को ना सिल से ही पीसना पड़ेगा। तो इस वजह से मैंने कहा कि इसे मैं जल्दी से पहले मैश कर लेती हूँ, तब तक आलू भी ठंडे हो जाएंगे। और तो ये देखिए मैं इनको अच्छे से मैश कर लूँगी, और ये ना अभी ज़्यादा से पके भी नहीं है कि बिल्कुल से मतलब बिल्कुल मिथलने लगे। तो यहाँ पर मैंने
दानों को मैश कर लिया था और आलू के छिकल निकाल के बिल्कुल से ठंडे हो गए थे, तो उनको भी मैश कर लिया, हाथों से मैश किया था मैंने। और इनमें मैंने हींग भी डाल दी है और धनिया पत्ती, अदरक, लहसुन डाल दिया है, आपने देखा ही, और स्वाद के अनुसार नमक भी डाल देती हूँ। इसके बाद मैंने 1.5 चम्मच धनिया डाला है, थोड़ा सा लाल मिर्च डाली है, और मैं हल्दी भी डाल दी है देखिए, और थोड़ा सा जीरा पाउडर, हल्का सा गरम मसाला। अब इनको मैं अच्छे से मिला लूँगी, और इनमें मैंने हरी मिर्च नहीं डाली है। आप लोग हरी मिर्च खाते हो तो आप लोग ज़रूर डालिएगा, और ये ना पराठे बहुत टेस्टी बनते हैं हरे चने के, तो मैंने इसलिए नहीं हरी मिर्च डाली है, क्योंकि मैं अगर काट के डालती हूँ तो जो आकृति है और अंश हैं तो ये दोनों के मुँह में आते हैं हरी मिर्च काट के डालने से, तो फिर इनको कड़ू लगता है तीखा, तो बच्चे नहीं खाते हैं। और हम लोगों के पेट भरने से क्या होता है, जब तक बच्चों का पेट ना भरे, तो इस वजह से मैंने इनकी वजह से पराठों में मिर्ची नहीं डाली है, क्योंकि अंश तो मतलब एक दो खा ही लेगा, पर आकृति तो बिल्कुल से भी नहीं खाती है तीखा। तो ये देखिए, ये यहाँ पर आ गई है शरारत करने के लिए, आप लोग देख सकते हैं, और फिर से बाहर गई है, अब फिर से दोबारा आएगी। जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना, तब ये ऐसे ही करती है। तो यहाँ पर मैंने एक लोई ली थी आटा की, और उसमें मैंने आलू और चने की पीठी भर करके, ये देखिए कितनी बढ़िया से मेरी पराठे बन रहे हैं, एक भी नहीं फटते। मैं चाहे जब भी बनाऊँ पराठे, आलू के हों या किसी और भी चीज़ की हों, कभी नहीं मेरे पराठे फटते हैं, और उतना ही मैं भरती हूँ जितना पराठों में पीठी भरना चाहिए, आप लोग ने देखा ही है। और ये आकृति फिर से आ गई है, और जो है तो आटे की परात को खींच रही थी अपनी तरफ, तो इसे मैंने मना किया कि वो गिर जाएगा, तो ये देखिए फिर से खड़ी हो गई है। और ये जब भी मैं खाना बनाऊँ तो शैतानी करने के लिए आ जाती है। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से पराठों को लोई में पीठी को भर लिया था, और इसी तरीके से भरना चाहिए, क्योंकि इससे ना बिल्कुल से निकलता नहीं है। अगर वैसे भरो और फिर वैसे ही चिपका लो तो फिर वो नहीं सही से बन पाते हैं और फटने लगते हैं। तो जैसे मोमोज को भरते हैं ना, इसी तरह से पराठों को भरो तो बिल्कुल से नहीं फटते हैं। तो ये देखिए, मैं पराठे को सेक लेती हूँ पहले, और क्योंकि मैंने थोड़ा रेस्ट कर दिया बीच में शायद, तो मेरा एक पराठा बना नहीं है, तो अभी मेरा तवा जो है तो खाली ही रहेगा, थोड़ा एक मिनट तो तब भी खाली ही रहेगा। तो ये देखिए कितना बढ़िया से बना है। और चलिए, तो अभी दूसरा मैं बेल लेती हूँ। तो ये देखिए, लोई तो मैंने वैसे भी भर कर के रख ली थी, बस सिर्फ इसे बेल नहीं पाई थी, तो अभी मैं दोबारा से बेल के दाल इसमें सेक लेती हूँ इसे। और आकृति को भाई पराठा खाना है, तो अभी ये अंश को बुलाने गई है पराठा खाने के लिए, और मैं तब तक इन दोनों के लिए सेक देती हूँ। तो ये देखिए अंश आ रहा है, तो ये गाड़ी अभी चला रहा है, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, और इसकी साइकिल जो है तो वो छत में डली है, मतलब रखी है, तो वहीं पर चलाता रहता। और कल बड़े भाई साहब आए थे, तो उन्होंने मतलब कंचन है, उनकी छोटी बेटी है, तो उसी की गाड़ी ले आए थे, क्योंकि वो बड़ी हो गई है तो वो अब चलाती नहीं है, तो ये आकृति और अनन्या चलाती रहेंगी, और उसके लिए उन्होंने दूसरी साइकिल ले ली थी। तो अभी तो अंश चला रहा है, और आकृति ने तो चला ली है, और अनन्या है तो वो अपनी मम्मी के पास है। तो यहाँ पर देखिए, मैं पराठों को सेक लेती हूँ, तब तक अंश भी आ जाएगा, तो दो अंश ले जाएगा पराठे और एक आकृति, तो ये दोनों खा के सो जाएंगे। इसके बाद मैं दोनों अम्मा जी को खाना दूँगी, और अभी मेरे हस्बैंड नहीं है, तो अम्मा जी खा लेंगी, तो मैं भी खा लूँगी, और जब वो आएंगे, वो बाहर किसी काम से गए हैं, तो जब वो आ जाएंगे तो उनके लिए मैं गरम गरम सेंक दूँगी। तो चलिए बना लेते हैं पहले। तो ये देखिए, आप लोग देख ही सकते हैं कितने बढ़िया से बने, एक भी नहीं फट रहे मेरे पराठे। तो आ जाइए खाने के लिए। तो ये देखिए, ये है पराठे और ये रायता, तो सब लोगों ने खा लिया है, और अभी बच गए हैं 9, तो अभी मैं जा रही हूँ खाने के लिए, तो पहले आप लोग खा लीजिए, ये लीजिए रायता और पराठा, और मुझे टेस्ट करके ज़रूर बताइएगा ये कैसा बना है। तो चलिए खाते हैं फिर, और मैं अभी यहीं पर खा के ट्राई करूँ, लेकिन बैठ के खाते हैं अभी ऐसे नहीं। तो चलिए मैं खाना खा लेती हूँ, फिर मिलूँगी आपसे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं अभी खा रही हूँ खाना, तो आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए। ये देखिए, और यहीं पर है अम्मा जी, मतलब छोटी वाली अम्मा जी कह सकते हैं, तो ये अम्मा जी हैं, और यहीं पर वो दवा खा रही थी, तो उसके लिए पानी लेने आई थी,
और मैं खा रही हूँ। तो आप लोग भी आ जाइए, और बहुत टेस्टी पराठे बने हैं सच में। तो दोस्तों मैंने अभी खाना खा लिया था और किचन को मतलब अभी क्लीन किया, क्योंकि मेरे हस्बैंड थोड़ी अभी लेट आए थे, अभी 10 बजे आए हैं, तो मैंने उनके लिए पराठे बनाए हैं दोबारा से गरम गरम, क्योंकि हम सब लोगों ने गरम गरम खा लिए थे, वो बस थोड़ा काम से बाहर गए थे तो अभी आए थे, तो उनके लिए मैंने अभी ही सेके हैं। तो मैंने बस किचन को क्लीन किया, और मेरे बर्तन है जो जो मतलब अभी पराठे बनाए हैं उनके वो वाले बर्तन हैं, तो वो रखे हैं, जो हम लोगों ने पहले खाना खा लिया था तो वो वाले मैंने धुल दिए थे, तो वो सुबह होगा। तो मैंने कहा आगे थोड़ा आपसे आप लोगों से बात कर लेते हैं। तो अभी देखिए मैं बिस्तर में ही बैठी हूँ, क्योंकि अभी बज गए हैं 10 और 10 बज गए हैं, तो अभी मैंने कहा आप सुबह धुलेंगे बर्तन। और हमारे यहाँ जो है तो आज ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, थोड़ा मतलब जो मतलब डेली होती है उससे ज़्यादा ही है, तो सुबह समर चलाएंगे, फिर उससे गर्म पानी भरेंगे और वहीं से फिर गर्म गर्म पानी से ही बर्तन धुलेंगे। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और मुझे सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और बस तो चलिए अभी हम जा रहे हैं सोने के लिए, तो आप लोग भी जा रहे होंगे, तो गुड नाइट, और फिर मिलूंगी कल एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे पराठे आप सभी को कैसे लगे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं।